मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की तरफ से दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है काउंसलिंग को लेकर के। अगर आप मेरठ मंडल के कैंडिडेट हैं, चाहे वो छात्रा हो या फिर छात्र हो, सभी के लिए यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म जारी कर दिया गया है। उस काउंसलिंग फॉर्म को आपको भर कर दोस्तों आपकी जो यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होगी 7 और 8 को, 2 दिन यहाँ पर होने वाली है DN इंटर कॉलेज मेरठ में। तो इसके बारे में पूरी जानकारी क्या दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसी वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस PDF नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर हमारे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये वीडियो सभी अपने मंडल के सभी ही विद्यार्थियों के पास ये शेयर कर दे फटाक से, ताकि उन्हें जो है ये PDF फॉर्मेट मिल सके। और साथ ही आप अपने यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, सब कुछ जानकारी यहाँ पर जो है इनके टेलीग्राम चैनल के माध्यम से यहाँ पर बता दिया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप मेरठ मंडल के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और इस फॉर्म में आपको भरना क्या है। सो फाइनल गाइज, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम पर इनके आ चुका हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले आपको दोस्तों फॉर्म दिखा देता हूँ, फॉर्म में आपको भरना क्या है। ये फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमारे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे रखा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मेरठ के छात्र छात्राओं का विवरण 2022-23। अब देखिए सबसे पहले आपको इसमें जो है कोर्स का नाम सिलेक्ट कर लेना है। कोर्स में आपने UPSC लिया था, NEET लिया था, या फिर JEE लिया था, या फिर NDA और CDS, ठीक है। उसके बाद आप अपने केंद्र का नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर CCSU, उसके बाद यहाँ पर मेरठ कॉलेज दिया गया है, VED इंटरनेशनल, यहाँ पर VED इंटरनेशनल। यानी कि जो है दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मेरठ के अंतर्गत जो है इन 3 जगहों पर अभ्युदय योजना की क्लासें चलने वाली हैं। साथ ही दोस्तों जो है किस केंद्र पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, किस केंद्र से आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली है, वहाँ पर आपको टिक करना है। ये आपको ध्यान देना है, उसी पर आपको टिक करना है, आपको इसमें सिर्फ टिक करना है। उसके बाद छात्र छात्रा की स्टूडेंट की लॉगिन आईडी, यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी होगी। जब आप अभ्युदय योजना के पोर्टल पर अपना लॉगिन करते हो, वो लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद छात्र छात्रा की स्टूडेंट लॉगिन आईडी, यहाँ पर लिस्ट में नाम यानी सीरियल नंबर पर अंकित है, कितने सीरियल नंबर पर अंकित है। तो ये चीज़ दोस्तों आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जब वहाँ पर जाएंगे काउंसलिंग करने के लिए, तो वहाँ पर उनके पास लिस्ट आ चुकी है। उस लिस्ट में आप देखेंगे आपके चौथे सीरियल नंबर पर आपका जो है यहाँ पर नाम है, लॉगिन आईडी है, वो यहाँ पर आपको लिख देना है उसमें दे करके। उसके बाद अपना लिंक यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, मेल और फीमेल दोस्तों, जनपद आप मेरठ, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हापुर बागपत या फिर गाजियाबाद, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बुलंदशहर अदर है। तो यहाँ पर इतने जो है जनपद दिए गए हैं उन मंडल के अंतर्गत, मेरठ मंडल अंतर्गत, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है, यहाँ पर आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। उसके बाद अपना नाम हिंदी में लिखना है यहाँ पर। उसके बाद छात्र छात्रा के पिता व पति का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। उसके बाद एक बार यहाँ पर छात्र छात्रा की माता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। उसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा की जन्मतिथि आपको इसमें डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर आपने क्या डाला था वो आपको डाल देना है। अब छात्र की जाति यहाँ पर पूछी जा रही है, आप जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं, या फिर ST हैं, वो आपको यहाँ पर सिर्फ टिक करना है। उस पर इस तरीके से आपको सही का टिक कर देना है उसके सामने। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित ऑफलाइन कक्षाओं हेतु मेरठ मंडल या मेरठ में आपका चयन हुआ था या नहीं हुआ था, तो इसके बारे में भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो दोस्तों यहाँ पर हाँ व नहीं का आंसर दिया गया है। इसे भी आप यहाँ पर जो है अपने सेंटर पर पता कर सकते हैं। वैसे सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमें यह सही करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिलेक्शन होने के बाद ही फ़ोन कॉल गया था और सूचना दी गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत अध्ययन का प्रकार आपका क्या है, केवल ऑफलाइन कक्षाएँ या फिर केवल ऑनलाइन कक्षाएँ चलेंगी, या फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कक्षाएँ चलेंगी, ये आपके सेंटर पर आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपको अपनी शैक्षिक योग्यता का सब विवरण यहाँ पर देना होगा, हाई स्कूल इंटर का, ग्रेजुएशन का, अगर आपने PG भी किया है तो उसे भी, आधार कार्ड नंबर आपको डालना होगा, पिता माता पति के आय अंकों की यहाँ, यानी कि आप अगर लेडीज हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप अपने पति का आय यहाँ पर लगाएंगे। अगर आप गार्जियन के अंतर्गत आपकी शादी नहीं हुई है, आप अपने माता व पिता का आय यहाँ पर आपको लगाना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद आप प्रमाण पत्र का नंबर, आप उसके बाद पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अस्थायी पता आपको डाल देना है पूरा, जो कि आपके आधार कार्ड पर अंकित है। ईमेल ID आपको यहाँ पर डाल देनी है। व्हाट्सअप और टेलीग्राम नंबर भी आप अपने आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपका कोई भाई या बहन चयन भी जो है अभी मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत, उसका भी अगर चयन हुआ है तो यहाँ पर हाँ और नहीं कर दिया गया, उस पर आप टिक कर देंगे। अगर चयन हुआ होगा तो यस करेंगे, वरना आप नहीं कर देंगे। आपके माता या पिता की मृत्यु तो कोविड से अगर हुई है दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, अगर हुई है तो आपको यहाँ पर काफ़ी वैधता मिलने वाली है। अगर हुई है तो यस करेंगे, वरना आप इसे नो कर देंगे। उसके बाद संलग्न जो आपको करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न करनी है, यहाँ पर देखिए बताया गया है 26वें नंबर पर। उसके बाद पहला है आपका आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, दूसरा है जात प्रमाण पत्र की छायाप्रति, तीसरा है हाई स्कूल के अंक पत्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति, चौथा इंटरमीडिएट
ग्रेजुएट के अंक पत्र व प्रमाण पत्र की छाया प्रति, और यहाँ पर पांचवा है स्नातक के अंक पत्र की छाया प्रति, छठवा है प्रस्नातक के अंक पत्र की छाया प्रति, सातवां है आधार कार्ड व अन्य किसी पहचान पत्र की छाया प्रति, आठवां है पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से सुन लिए हैं, इसे ही आपको यहाँ पर ले जाने हैं इस फॉर्म को भरने के बाद। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है, किसी कंप्यूटर शॉप की मदद से प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अब आपको यहाँ पर फोटो आपको अपना चिपकाना है, उसके बाद अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। तो देखिए इससे पूर्व इस और क्या क्या नोटिफिकेशन इसमें बताया गया उसे भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो मेरठ मंडल के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं फटाक से ये सारा मैसेज जो है आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं समस्त छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि जो PDF आपको भेजी गई है उसके समस्त जानकारियों को बड़ी ही सावधानी पूर्वक भरें और बॉक्स पे टिक करना है, तथा नीचे दी गई समस्त प्रमाण पत्रों की सूची इसके साथ संलग्न करनी है। काउंसलिंग की जानकारी कुछ ही समय में आपको जो है इसी ही टेलीग्राम चैनल माध्यम पर दी गई। देखिए अब काउंसलिंग की जो जानकारी दी गई है यहाँ पर ऑलरेडी उसी थोड़ी देर के बाद दे दी गई थी। तो इसमें देखिए बताया गया है कि समस्त छात्र छात्राओं को अवगत कराया जाता है कि कल दिनांक 7 जून को समस्त छात्राओं का तथा 8 जून को समस्त छात्रों की काउंसलिंग DN इंटर कॉलेज मेरठ निकट रेलवे रोड चौराहा प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक की जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे 7 जून को सिर्फ लड़कियों का यहाँ पर काउंसलिंग होगा, उसके बाद 8 जून को सिर्फ लड़कों का यहाँ पर काउंसलिंग होगा। कॉलेज रहेगा DN इंटर कॉलेज मेरठ निकट रेलवे रोड चौराहा सुबह 9 से शाम 3 बजे तक, ये आपको ध्यान देनी है। आप यहाँ पर जो PDF शेयर की गई है इसका आपको देखिए प्रिंट आउट लगवा लेना है, वही चीज़ इसमें बताया गया है। और सभी 6 प्रति 1 फाइल कवर में जिस तरीके से आपको उसमें अटैच करना है, उसके बाद जो है आपको इसी ही संस्थान पर जाना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है सभी मंडलों के लिए लमसम यही लगने वाला है। तो यहाँ पर आप किसी भी मंडल से होंगे दोस्तों, अगर आपको सूचना मिलती है तो ये सारे डॉक्यूमेंट अभी से ही आप तैयार कर लें, क्योंकि आपको मुझे बुलावा आएगा धीरे धीरे करके, तो आपको सभी को ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई है, जैसे देख सकते हैं इसमें लिखा गया है अगर छात्र छात्राओं को अवगत कराया जाता है कि जिन छात्र छात्राओं की BSc की या कोई परीक्षा अन्य है तो वो लोग यहाँ पर अपनी काउंसलिंग 7 जून या 8 जून में से किसी के दिन भी करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर 7 तारीख को लड़कियों को बुलाया गया है तो लड़कियाँ नहीं पहुँच पाई हैं तो वो 8 जून को भी जाकर के करा सकती हैं। तो इस तरीके से ये जो है निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा अभ्युदय योजना के अंतर्गत मेरठ मंडल का, जैसे किसी और मंडल की हमें यहाँ पर जानकारी मिलेगी हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत सूचित करेंगे। तो ऐसा करते हुए वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छी नोटिफिकेशन मिली होगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे।